नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी से मैं मधु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन में ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो उसको क्योर कर सकता है। लो ब्लड प्रेशर, हजारों लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और बेसिकली लेडीज़ में ये समस्या ज़्यादा होती है। जेंट्स में भी होती है लेकिन लेडीज़ में ज़्यादा होती है लो ब्लड प्रेशर की समस्या। बहुत से कारण हो सकते हैं इसके, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होना या फिर डायबिटीज़ के कारण भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हम कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन ले रहे हैं उसके कारण लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, लेकिन वो टेम्प्रेरी होता है। जैसे ही वो मेडिसिंस बंद होती हैं तो ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और अगर कोई ज़्यादा चिंता या तनाव में रहते हैं, लो फील करते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जो 5 प्राणायाम का जो पैकेज होता है वो हम डेली उसका अभ्यास करें, ताकि ऐसी कोई समस्या हमें हो ही ना। 5 प्राणायाम कौन कौन से करने हैं हमें? सबसे पहले भस्त्रिका करना है हमें, उसके बाद हम करेंगे कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और सबसे लास्ट में ओम चैंटिंग। ये 5 प्राणायाम डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। लेकिन अगर आप इतने प्राणायाम नहीं कर पाते हैं और समस्या आपको हो गई है, तो आज मैं आपको एक ही प्राणायाम ऐसा बताऊंगी जो लो ब्लड प्रेशर में बहुत इफ़ेक्टिव है। इस प्राणायाम को हम बोलते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी सूर्य नाड़ी, यानी जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, उसको उसमें प्राणों का फ्लो करवाता है। प्राण यानी एनर्जी, द प्राणिक एनर्जी, या बेसिकली हम इसको बोलें तो हमारी जो ब्रेथ है वो, दैट इज़ नोन एज प्राणा। तो प्राणों को जब हम सूर्य नाड़ी से फ्लो करवाते हैं तो उस प्राणायाम को हम बोल देते हैं सूर्यभेदन प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में सूर्य की तरह एनर्जी आ जाती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जो लोग लो फील करते हैं तो उन्हें ज़रूर ये प्राणायाम करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो प्राणायाम किसी भी आसन में बैठकर किया जा सकता है, ये चीज़ आप अपने मन में बिठा लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम प्राणायाम को पद्मासन में करेंगे तो ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप सुखासन में भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। योग में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, यानी उस आसन में जिसमें आप स्थिर रहें और आपको सुख महसूस हो, आपको अच्छा फील हो, वही आसन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नीचे बैठने से डिस्कम्फर्ट हो रहा है लेकिन फिर भी आप लगातार बैठे जा रहे हैं। आप चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम प्राणायाम करेंगे हम अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे, सीधे होके बैठेंगे, थोड़ा पीछे खिसक जाइए ताकि जो चेयर का सिरहाना है उससे आपको सपोर्ट मिले, और फिर आप उस प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूर्यभेदी प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं और किनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो तरीका बताने से पहले हम देख लेते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। एक लाभ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उन्हें ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, तो तुरंत उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा जिनको कफ संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में कफ को कम करता है, गर्मी पैदा करता है, जिससे हमारे कफ संबंधी रोग अपने आप ठीक होने लगते हैं। एक और चीज़, जब जैसे हम जो बता रहे हैं सूर्य नाड़ी मीन्स कि हमारा राइट नॉस्ट्रिल, तो जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है या उसमें से प्राणों का फ्लो होता है तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है।
जब हमारा दायां स्वर चलता है तो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन के लिए प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरा, स्किन प्रॉब्लम्स अगर हैं तो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। इससे चेहरे पे ऐसे रिंकल्स हटती हैं और चेहरे पे एक तरह की चमक आ जाती है, तो इसके लिए भी इस प्राणायाम को यूज़ कर सकते हैं। और साइनसिस को क्लियर करने के लिए, यानी जिनको नाक बंद रहती है, ज़ुकाम ज़्यादा रहता है, तो ये प्राणायाम आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी लाएगा और उसकी वजह से आपके साइनसिस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये प्राणायाम ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब कई बार कई लोग पूछते हैं कि आप ये प्राणायाम लो ब्लड प्रेशर के लिए बता रहे हैं, तो बाकी लोगों को ये प्राणायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई समस्या नहीं है, स्पेसिफिकली जो मैंने बताए अभी लाभ, इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो बेसिक 5 प्राणायाम होते हैं वही प्राणायाम अपने रूटीन में शामिल रखें। और ये कुछ प्राणायाम ऐसे बताए जाते हैं जो रोग के अनुसार बताए जाते हैं, तो उनको फिर उस पर्टिकुलर रोग में ही आप यूज़ करें। अदरवाइज़ जो हम बेसिक 5 प्राणायाम करते हैं, कौन कौन से करते हैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद हम करते हैं कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी प्राणायाम और लास्ट में उद्गीत या ओम चैंटिंग। ये 5 प्राणायाम का पैकेज आप डेली करें। और अगर कोई स्पेसिफिक रोग है, जैसे आज हम देख रहे हैं लो ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसमें फिर आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करें। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि इस प्राणायाम में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप वो सावधानियाँ ध्यान में रख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। प्राणायाम से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, तो उसके लिए हम कमर सीधी रखेंगे, कंधों को सीधा रखेंगे, चेहरे को रिलैक्स रखेंगे और आंखें बंद करके एक दो बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे मेरे साथ। क्लोज योर आइज, कीप योर बैक इरेक्ट, नेक इरेक्ट, फेस रिलैक्स्ड एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। And breathe out. One more time. Inhale. And exhale out. Relax. अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यानी इसमें इन्हेलेशन हर बार आप राइट नॉस्ट्रल से करेंगे और एक्सहेलेशन लेफ्ट नॉस्ट्रल से। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उनमें से 3 नाड़ी प्रमुख होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो इड़ा और पिंगला जो है वो हमारे लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल को रिप्रेजेंट करती हैं, मून और सन को रिप्रेजेंट करती हैं, हा और थ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब हमें इनमें बैलेंस लाना है या इनसे रिलेटेड एक्टिवेशन करना है तो हम इन नाड़ियों का यूज़ करते हैं। तो आज हमें सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है, तो इसलिए हम राइट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि राइट नॉस्ट्रल सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करना है। नॉस्ट्रल को कंट्रोल करने के लिए आप एक, ये भी बार बार आता है कि हम हाथों को कैसे रखें, ऐसे अंगूठे से करें, ऐसे करें, ऐसे करें। एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि आप किसी भी तरह से नॉस्ट्रल को बंद रखेंगे, उससे आपके प्राणायाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि आपने अंगूठे से दबाया तो प्राणायाम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ये सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए है कि कौन सी मुद्रा से आपको ठीक लगता है नॉस्ट्रल्स को कंट्रोल करना। उसके लिए आप अलग अलग तरीके देखते हैं, सारे तरीके सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरी चीज़, एक हाथ हमारा फ्री है, एक हाथ से हम प्राणायाम करेंगे, इस हाथ से आप मुद्रा बनाएंगे। कौन सी मुद्रा बनाएंगे? ज्ञान मुद्रा, क्योंकि ज्ञान मुद्रा भी हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, फियर एंग्जाइटी को कंट्रोल करती है, डिप्रेशन को कंट्रोल करती है। इसके लिए आप इंडेक्स फिंगर को थंब से टच कीजिए और इस तरह से अपने गोद में रख दीजिए। आप ज़मीन में बैठ के कर रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के भी सेम प्रोसेस करना है कि अपने घुटनों पर इस हाथ को रख दीजिए। यह हाथ से हमने विष्णु मुद्रा बनाई। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे क्योंकि हमें इन्हेलेशन राइट से करना है। करेंगे, कमर सीधी रखें, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड ब्रीद इन थ्रू राइट। नाउ क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल एंड ब्रीद आउट थ्रू लेफ्ट। अगेन क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रीद इन थ्रू राइट। ब्रीद आउट थ्रू लेफ्ट। Close your left nostril, breathe in through right. And breathe out through left. Relax. तो इस तरह से आप शुरुआत करेंगे, हर बार right nostril से inhalation, left से एक्सेलेशन। ठीक है, इतना हमने किया। आप 10 राउंड से शुरू कीजिए। एक इन्हेलेशन और एक्सेलेशन मीन्स एक राउंड हो गया, 10 राउंड से स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होता जाएं, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं कितने राउंड आप करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या क्या सावधानी रखनी है कि हमें इसका मैक्सिमम लाभ हो। पहली सावधानी तो ये कि हम देख रहे हैं कि इस प्राणायाम को करने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी जिनका लो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है उन्हें ये प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं करना है। हाई ब्लड प्रेशर में चंद सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना है। अब कौन सा प्राणायाम करेंगे? चंद्रभेदी। दूसरी चीज़, ये प्राणायाम क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, तो इसलिए इस प्राणायाम को गर्मियों के दिनों में प्रैक्टिस ना करें, अवॉइड करें इस प्राणायाम को। सर्दियों में ये प्राणायाम बहुत अच्छे से करें। तीसरी चीज़, जिनको ऑलरेडी शरीर में गर्मी है, यानी जिनको पित्त संबंधी प्रॉब्लम है, एसिडिटी रहती है, अल्सर है, हाइपर एसिडिटी है, कृपया वो इस प्राणायाम को प्रैक्टिस ना करें क्योंकि ये आपके शरीर में गर्मी बढ़ाएगा और उससे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सावधानियाँ आपको रखनी है। और एक और चीज़, जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, इट शुड बी डन इन वेरी रिलैक्स्ड मैनर। एक ही इंटेंशन माइंड में कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, सारे रोग हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं, सारी चिंताएं बाहर निकल रही हैं। जैसे आज वाला प्राणायाम अगर आप लो ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं तो साथ में ये दोहराते रहें, अपने आप को बताते रहें कि इस प्राणायाम को करने से मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जा रहा है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वेर योर कॉन्सेंट्रेशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जब आप अपना कॉन्सेंट्रेशन अपने ब्लड प्रेशर पर लाएंगे तो इट विल वर्क मोर एफिशिएंटली। तो ध्यान रखें कि आप वो इंटेंशन को मन ही मन दोहराते रहें कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, या जो भी जिस भी इंटेंशन से आप प्राणायाम कर रहे हैं उसे आप साथ साथ ज़रूर दोहराएं। इसके अलावा एक और चीज़, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आप कर सकते हैं, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आप जो लो फील करते हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और एक और चीज़ जो प्राणायाम से रिलेटेड नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका बीपी लो रहता है
तो आप अपने साथ नमक और चीनी मिक्स करके रखें। तो जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है, नमक चीनी का घोल बनाकर अगर हम पीते हैं तो इमीडिएटली उससे रिलीफ मिलता है। और नॉर्मल कोर्स में अगर आप 5 प्राणायाम का पैकेज डेली करते हैं तो कोई कारण नहीं कि हमें किसी भी तरह का रोग हो। 99% हम सभी रोगों से बचे रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स लिखें, और एक चीज़ कि आप कमेंट्स तो लिख देते हैं लेकिन लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर लें, बहुत अच्छा दिन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, स्टे काम, स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे। नमस्कार।